सुनना, देखो अपने पड़ोसी कितने मजे में रहते हैं। उनके पास टीवी, फ्रिज, मिक्सी, स्कूटर सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। हमें भी टीवी और फ्रिज खरीदना चाहिए। कैसे? हमारे पास पैसे कहाँ हैं? मेरे पास एक आइडिया है। मैं 2-3 माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन ले लूंगी। हम उस पैसे से टीवी फ्रिज खरीद लेंगे और हर महीने किस्त भर देंगे। तुम्हारी नौकरी भी अच्छी चल रही है, किस्त भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइडिया तो अच्छा है, पर इतना लोन देगा कौन हमको? तुम उसकी चिंता मत करो। हमारी पड़ोसन ने गांव के बहुत सारे लोगों के नाम पर लोन लेकर अपनी जमीन खरीदी बिक्री का धंधा शुरू किया है। मैं भी अपनी सहेली के नाम पर लोन लेकर टीवी फ्रिज खरीद लूंगी। तुम्हारी सहेली मान लेगी? रेखा, मुझे तुमसे मदद चाहिए। बोलो ना, तुम्हें तो लोन की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपना आईडी प्रूफ दे देना। तेरे नाम पर लोन लेकर हर महीने किस्त भरूंगी। बस 2-4 हफ्ते मीटिंग में आ जाना, बाद में मैं संभाल लूंगी। मेरे पति बहुत गुस्से वाले हैं, पता चला तो बवाल हो जाएगा। तू चिंता मत कर यार, कैसे पता चलेगा, मैं हूँ ना। रेखा ने अपनी सहेली के बहकावे में आकर लोन लिया और उसको दे दिया। ले तुम्हारे पैसे और जी ले अपनी जिंदगी। क्या हुआ? मेरी नौकरी चली गई। आपने पिछले महीने किश्त नहीं भरी और इस महीने भी आपके पास पैसे नहीं है, और आपकी सहेली न पैसे भर रही है और न मीटिंग में आ रही है। दीदी, आप लोगों का क्या विचार है? चलो रेखा के घर जाकर पूछताछ करेंगे। दीदी, आप लोग मीटिंग में क्यों नहीं आ रही हो? रेखा, ये सब क्या है? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। पूजा की बातों में आकर मैंने अपने नाम पर लोन लेकर उसको दे दिया। पूजा क्यों मेरा नाम बदनाम कर रही है? लेकिन तुमने उसके लिए लोन लिया क्यों? तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि अब तुम्हारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा और जरूरत पड़ने पर तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। क्या आपको ये वीडियो सही लगा? आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। क्या पूजा को आमदनी ना होने के बावजूद कर्ज लेकर टीवी फ्रिज खरीदने की जरूरत थी? और रेखा को अपने नाम पर पूजा के लिए टीवी फ्रिज खरीदने के लिए कर्ज लेने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। नतीजा, नुकसान दोनों को हुआ। जागरूक बनिए, सावधान।